हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी कि बल और गति के नियम। ये चैप्टर है हमारा, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग फोर्स के बारे में। सबसे पहले फोर्स क्या होती है, क्योंकि चैप्टर ही फोर्स के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कि फोर्स क्या होती है। द पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी चीज़ को धकेलना या खींचना क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है, ठीक है। और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ पे एफ रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, एम रिप्रेजेंट करता है मास को, और ए रिप्रेजेंट करता है एक्सीलरेशन को, ठीक है। और इसकी बच्चों ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है इसकी न्यूटन, और हम लोग इसकी ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट न्यूटन होती है, तो आप लोग न्यूटन ही यूज़ करोगे। अदरवाइज हम लोग किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मास की किलोग्राम होती है और एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसा कि आप लोग ये चैप्टर में पढ़ के आ रहे होगे, ठीक। तो ये तो था हमारा फोर्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि न्यूटन ने तीनों लॉज दिए थे मोशन के, गति के तीनों नियम दिए थे, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स के पहले नियम को न्यूटन के गति के पहले नियम को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और इस नियम के अनुसार होता क्या है, अकॉर्डिंग टू इट एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू बी इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट जो है तब तक रेस्ट की पोजीशन में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। तब तक वो रेस्ट की पोजीशन में ही रहेगा। और कोई भी ऑब्जेक्ट है वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए रोकने के लिए, ठीक है। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाएगी रोकने के लिए, तब तक वो ऑब्जेक्ट रुकेगा भी नहीं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि ऑब्जेक्ट तो हमारा थोड़ी देर बाद अपने आप रुक जाता है, तो ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट जो रुकता है हमारा थोड़ी देर बाद, उस पर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, इस वजह से ऑब्जेक्ट जो होता है वो थोड़ी देर बाद चलने के बाद रुक जाता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मून पे ग्रेविटी नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है हमेशा मूव करते रहता है, ठीक है। जब तक हम लोग उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोकेंगे नहीं, तब तक वो ऑब्जेक्ट रुकेगा ही नहीं। क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर मोमेंटम के बारे में, ठीक है। अब हम लोग मोमेंटम के बारे में बात करेंगे। मोमेंटम के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो पूरा का पूरा मोमेंटम पे ही बेस्ड है, तो उससे पहले मोमेंटम को जान लेना ज़रूरी है। मोमेंटम को हिंदी में हम लोग संवेग भी कहते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, और न्यूमेरिकल तो आता ही आता है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। हम लोग प्रोडक्ट मास के और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग मोमेंटम कह सकते हैं, ठीक है। और मोमेंटम को जैसा कि हम लोग पी से डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी इज इक्वल टू एम वी। ऐसा यूनिट इसकी हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मास की क्या होती है किलोग्राम, और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, तो इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके और फर्दर एक्सप्लेनेशन से पहले, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताने से पहले, मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, यानी कि जितना मास बढ़ाओगे उतना मोमेंटम बढ़ता चला जाएगा। और डायरेक्टली रिलेशन होता है वेलोसिटी के साथ भी, मीन्स जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी मोमेंटम उतना ही ज़्यादा होगा। मीन्स ये दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। मोमेंटम जो है वो मास पे भी डायरेक्टली डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे भी डायरेक्टली डिपेंड करता है, ठीक। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन थ्योरेटिकल ये आते हैं कि जैसे कोई क्रिकेटर है, अगर बॉल को कैच करता है तो अपना हाथ पीछे क्यों करता है, ठीक है। ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो देखिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, यानी कि मोमेंटम के अंदर टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अप्लाइड फोर्स कहते हैं, ठीक है। मोमेंटम के अंदर टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंज होता है उसी को हम लोग अप्लाइड फोर्स कहते हैं। और यहाँ पे डी रिप्रेजेंट करता है स्मॉल चेंज का, ठीक है, यानी कि मोमेंटम के अंदर भी थोड़ा सा ही चेंज आ रहा है और टाइम के अंदर भी थोड़ा सा ही चेंज आ रहा है, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए यहाँ पे क्या,
फोर्स का जो डायरेक्टली रिलेशन है वो मोमेंटम के साथ है, मीन जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। लेकिन फोर्स का जो इनवर्स रिलेशन है वो टाइम के साथ है। किसके साथ है? टाइम के साथ। मीन्स जितना ज़्यादा अगर टाइम बढ़ा दोगे, हाथ को पीछे ले जाओगे, तो टाइम ज़्यादा लगेगा बॉल को आपके हाथ तक पहुँचने में, इसलिए फोर्स क्या होगी? वो कम लगेगी। ठीक है, समझे बात? और इसी सेम तरीके से अगर आप लोग क्या करोगे, टाइम कम कर दोगे, हाथ अगर आगे कर दोगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगी, इसीलिए चोट जो है वो ज़्यादा लगती है। क्लियर? बाकी हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड लॉ के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और इसी से इसका जो नेक्स्ट है यानी कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।